मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगले हफ्ते घर में बड़ा फंक्शन है और उसी टाइम पीरियड्स होने वाले हैं। अब क्या करूं? ऐसी सिचुएशन अक्सर हम फीमेल्स फेस करती हैं और कई बार हम में से बहुत सी फीमेल्स पीरियड्स रोकने वाली पिल्स खा लेती हैं, लेकिन क्या ये सही है? अच्छा, अब तो कई फीमेल्स पीरियड सप्रेशन का भी सहारा ले रही हैं, जिससे आप जब तक चाहे तब तक पीरियड्स को रोक सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे टेक्निक से पीरियड से परमानेंट छुटकारा मिल सकता है? क्या पीरियड डिले कराने वाली टैबलेट्स सेफ है? आज हम इसी का सच जानेंगे। नमस्कार, पहले तो मैं न्यूज 24 को कंग्रेचुलेट करूंगी कि उन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स को छेड़ा है जो महिलाओं के बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और इससे जागरूकता फैलेगी। पीरियड्स को डिले करना, आगे पीछे करना, ये एक बहुत कॉमन रिक्वेस्ट होती है पेशेंट्स की। कभी कभार साल में एक बार या दो साल में एक बार आप ये कर रहे हैं तो इसका कोई लंबा चौड़ा नुकसान नहीं होता, बट अगर आप इसे एक हैबिट बना लें कि आप अपने पीरियड्स को हर दो तीन महीने में दवाई खाकर पीछे या आगे करते हैं, तो आफ्टर ऑल ये हॉर्मोन्स हैं और फिर इससे नुकसान सिस्टम को होता है, क्योंकि कुदरत के साथ आप जितना भी खेलोगे उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कुदरत का नियम है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पीरियड्स का सिस्टम हर किसी में अलग होता है। किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, किसी को नहीं होता, किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो किसी को नहीं होती है, किसी का पीरियड दो दिन चलता है तो किसी किसी का तो 7 दिन तक भी रहता है। ऐसे में ऐसी दवाइयां जिनसे आप अपना पीरियड डिले करना चाहती हैं, उसका असर भी हर किसी पर अलग अलग होगा। इसीलिए कोई भी दवाई लेने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सजेशन जरूर ले, उनको कंसल्ट जरूर करें। पीरियड को आगे बढ़ाने वाली दवाइयाँ दो तरह की होती हैं, या तो वो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की गोलियाँ होती हैं, या फिर वो जो आम तौर पर गर्भ निरोधक गोलियाँ आती हैं, यानी कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन पिल्स। दोनों ही गोलियों से सिर में दर्द होना, उल्टी की फीलिंग होना, थोड़ा वज़न बढ़ जाना, ब्रेस्ट में दर्द होना, या फिर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होना, यानी आपका जो पर्पस है पीरियड को डिले करने का है पर अचानक ही बीच में किसी भी अनएक्सपेक्टेड टाइम पर ब्लीडिंग हो सकती है, ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इन गोलियों के। ये आपने बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिस्क फैक्टर्स को जाने बिना ये गोलियां ले लेते हैं। सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर होता है कि जो ऑलरेडी हाइपरटेंशन के मरीज हैं उनके लिए ये गोलियां सेफ नहीं होती। जिनके ब्लड के क्लॉटिंग में किसी भी किस्म की बीमारी है, वीनस थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री है, तो उनके लिए भी ये दवाई सेफ नहीं होती। जिनकी घर में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है उनके लिए भी ये हाई रिस्क केसेस हो जाते हैं इन दवाइयों के लिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इन दवाइयों का प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसी तरह हाइपरटेंशन होने का, स्ट्रोक होने का, ये सब रिस्क आपके बढ़ जाते हैं, और फ्यूचर में जाकर ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। और जहाँ तक आपने अगला सवाल पूछा इसी सवाल में कि क्या ये फर्टिलिटी पर असर डालती हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर आप इन्हें कभी कभी यूज़ करते हैं, कभी कभी यानी साल में एक बार, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरियड्स में देरी करने वाली गोलियों को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो इसे समझ कर ही आपको सलाह दे सकेंगे। वे ये तय करने में आपकी मदद करेंगे कि पीरियड्स डिलेइंग टैबलेट्स लेना आपके लिए सेफ है या नहीं। ऐसी दवाइयों को टाइम टू टाइम लेना होता है, तो डॉक्टर से पूछकर जैसा वो सजेस्ट कर देंगे वैसी दवाइयां लें। ये तो हो गई पीरियड डिले करने वाली दवा की बात, लेकिन अब बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन सप्रेशन टेक्निक की। मेंस्ट्रुएशन सप्रेशन यानी पीरियड्स को रोकना या उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना या पीरियड्स फ्लो को कम करना लंबे टाइम के लिए या हमेशा के लिए। मेंस्ट्रुअल सप्रेशन की परमिशन सबसे पहले उन फीमेल्स को दी गई थी जो मेंटली फिजिकली चैलेंज्ड है, क्योंकि वो पीरियड्स में अपना ख्याल नहीं रख सकती,
वो चेंज नहीं कर सकती। लेकिन बदलते दौर में अब इसमें ऐसी फीमेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है जो पीरियड्स को झंझट की तरह देखती है और इसे रोकने के लिए मेंस्ट्रुअल सप्रेशन ट्रीटमेंट का सहारा ले रही है। लेकिन क्या नेचर के खिलाफ जाकर पीरियड को रोक देना सेफ है? कॉम्बिनेशन बर्थ कंट्रोल पिल खाकर आजकल आप पीरियड को रोक सकते हैं, लेकिन ये दवाई रोज खानी पड़ेगी जब तक आप चाहती है पीरियड्स ना आए। ऐसे आर्टिकल भी काफी सारे मिलेंगे आपको। अब कई फीमेल्स इस मेंस्ट्रुएशन सप्रेशन टेक्निक की बात कर रही हैं, पता लगाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर क्या मानते हैं? आप सही कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ओसी पिल्स लगातार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह तो यूज होती है। ये एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट बहुत लंबे समय तक अनइंटरप्टेड उसको लेते रहना आपके फर्टिलिटी को कम करता है। यानी जब आप माँ बनना चाहेंगी तो आपको एक तो सबसे पहले 90 दिन का इंटरवल लगेगा, जिस दिन से आप पिल बंद करेंगी तब से आपकी ओवुलेशन साइकिल रिज्यूम हो, यानी कि अंडा बने उस महीने में। दूसरी बात, कभी कभी अगर आपने 2-3 साल लगातार इन पिल्स को ले लिया है तो कई बार यूं समझ लीजिए कि ओवरी नींद में चली जाती है और फिर उसे जगाकर अंडे बनाना और प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है। एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट होने के साथ साथ, एक महिला होने के साथ साथ, एक डॉक्टर होने के साथ साथ, मेरा ये मानना है कि हमें पेशेंट का लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कंटिन्यूस मेंस्ट्रुअल सप्रेशन का आइडिया ही मुझे गलत लगता है, आपको एक छोटी ट्रैक के लिए जाना है, एक छुट्टी के लिए जाना है, एक रिलीजियस यात्रा के लिए जाना है, आप बीच में पीरियड कभी कभार बंद करना चाहती हैं, वो समझ आता है। बर्थ कंट्रोल पिल के अलावा मेंस्ट्रुअल सप्रेशन के कई और तरीके हैं, जैसे स्किन पैच, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल वजाइनल रिंग, प्रोजेस्टीन आईयूडी मेथड, एक नया तरीका भी है डेपो प्रोवेरा। इसमें तो शॉट लेना होता है हर 3 महीने में, लेकिन इन सब में एक कॉमन बात को समझिए कि कोई भरोसा नहीं है कि आपका पीरियड बंद हो जाएगा, परमानेंट इलाज कोई नहीं है। इन चीजों के इस्तेमाल को रोकते ही कुछ वक्त बाद पीरियड्स वापस पहले जैसा हो सकता है, फिर इतना रिस्की क्यों लेना? यस, वजाइनल रिंग्स और स्किन पैचेस, दवाई इनमें सेम ही है जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में होती है, जनरली एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन या उनका कॉम्बिनेशन। तो जो मैंने पहले साइड इफेक्ट्स या रिस्क फैक्टर्स बताए हैं वो तो इन पर भी लागू होते हैं, सिर्फ मेथड ऑफ डिलीवरी अलग है। स्किन पैच को आप स्किन पर लगाते हैं तो उसका एडिशनल साइड इफेक्ट ये होता है, जैसे हमारे जैसे देश में जहाँ पर 12 से 8 महीने गर्मी रहती है ज़्यादातर एरियाज में, या फिर जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे पसीना काफ़ी आता है, तो स्किन पैचेस जो हैं कई बार स्किन इरिटेशन, रैशेज, ये सब कुछ कॉज कर सकते हैं और बहुत पसीने से वो उतर भी सकते हैं। तो हमारी कंट्री में इसीलिए ये अभी एक बहुत पॉपुलर मेथड नहीं है, अवेलेबल है बट अभी वाइडली पॉपुलर नहीं है। वजाइनल रिंग्स की बात करें तो बाकी साइड इफेक्ट्स तो उन पर भी लागू होंगे, उसके अलावा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होना, यानी अचानक बीच में पीरियड्स आ जाना बिना आपके एक्सपेक्टेशन के, वो बहुत कॉमन होता है उसके साथ। दूसरा, वजाइनल रिंग में आपको रिंग को बड़ी सफाई से लगाना, बड़ी सफाई से उतारना आना चाहिए, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डेपो प्रोवेरा और प्रोजेस्टेरॉन आईयूडी दोनों ही वो मेथड्स हैं जो प्रोजेस्टेरॉन की एक बड़ी डोज को यूज करते हैं जो लंबे समय तक असर करती है। ये खास तौर पे बेनिफिशियल है उन पेशेंट्स के लिए जो एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड्स की तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक दिया गया प्रोजेस्टेरॉन इस डिजीज, इन दो डिजीजेस को खत्म तो नहीं करता पर इनको कम कर देता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको पेनफुल पीरियड्स होते हैं, बहुत हैवी पीरियड्स होते हैं, तो उनके लिए ये यूजफुल है। ये मेंस्ट्रुएशन को पूरी तरह बंद नहीं करते बट मेंस्ट्रुएशन की फ्रीक्वेंसी, यानी अगर हर तीन महीने में डेपो प्रोवेरा लगता है तो बीच में आपको 2.5-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, होने वाले ब्लड लॉस को भी कम करते हैं और पेन को भी कम करते हैं।
तो इन दो तीन कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स के लिए ये यूजफुल है, या फिर जो पेशेंट्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन पिल्स नहीं ले सकते, यानी जिनके घर में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या वो हाइपरटेंसिव हैं, या उनकी बोन डेंसिटी पहले से कमज़ोर है, तो उनमें कुछ हद तक ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, उनमें हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। पीरियड्स को कंट्रोल करने या रोकने की हार्मोनल तरीके आमतौर पर इफेक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, यानी कभी कभी इनको यूज करते वक्त ही पीरियड आ जाते हैं और वो भी हैवी ब्लीडिंग के साथ। कई बार पीरियड्स का कोई टाइम नहीं होता, कई बार जो ट्रीटमेंट आप ले रही हैं हो सकता है कि वो आपको सूट ना करे और उसके साइड इफेक्ट्स शरीर पर कई तरह से आए। एक स्टडी के मुताबिक लगातार कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल से खून के थक्कों यानी कि क्लॉट्स बनने का खतरा बढ़ जाता है और हड्डियां भी वीक होने लगती हैं। मेंस्ट्रुअल सप्रेशन का कोई भी मेथड लाइफ टाइम इफेक्ट नहीं देता है। जब तक आप उस मेथड को यूज कर रहे हैं तभी तक पीरियड्स सप्रेस होते हैं, और जब आप उस मेथड को यूज करना बंद कर देते हैं तो फिर वापस पीरियड्स आ जाते हैं। अनलेस आप एक नेचुरल पेरीमेनोपॉजल एज में पहुंच जाते हैं, जो कि एक एवरेज इंडियन वुमन की मेनोपॉज की एज 45 वर्ष। तो डॉक्टर मनिका ने भी माना कि जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी ऐसी दवाइयां ले जिसके चक्कर में आप अपने पीरियड्स को रोक सकते हैं, कुछ वक्त के लिए टाल सकते हैं, या आपको कोई ऐसी कंडीशन है एंड्रोमेट्रियोसिस जैसी, तो फिर आप ऐसी दवाई ले सकते हैं, ऐसे इंजेक्शन या ऐसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसके जरिए आप अपने पीरियड्स को सही कर सके। लेकिन अगर आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो ये इन सब के लिए डॉक्टर से मिलिए और उनसे बात करिए और उनके अकॉर्डिंग ही सारी ट्रीटमेंट लीजिए। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसीलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल आईडी n24such@gmail.com पर सेंड करें।